नमस्कार, मणिपुर की एक और खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। क्या निवेश का ऐसा कोई विकल्प हो सकता है जिसमें रिटर्न तो फिक्स हो लेकिन ग्रोथ की संभावनाएं बैंक एफडी से कहीं ज्यादा हो? कंपनी एफडी यानी कॉर्पोरेट एफडी में निवेश के क्या फायदे हो सकते हैं और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो क्या नुकसान हो सकता है, जानेंगे आज के शो में। हमारे साथ हैं अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर बजाज कैपिटल। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। जब बात होती है कॉर्पोरेट एफडी की तो ये बैंक एफडी के जैसा ही सुनने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या इसमें इंटरेस्ट रेट होता है, क्या बैंक एफडी की तरह ये फिक्स्ड होगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे चूज किया जाएगा इन ऑप्शंस में से? हाँ, देखिए पल्लवी, पहले ये बताएं सारे दर्शकों को कि डिपॉजिट करने के जो ऑप्शंस हैं इंडियंस के पास, वो तीन तरह के विकल्प हैं। उनमें से दो तो बहुत पॉपुलर हैं। एक है बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में तो आज की तारीख में भी 1,25,00,000 रुपया लोगों का जमा है और वो एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। दूसरी जो ऑप्शन है डिपॉजिट की, वो है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में भी, क्योंकि वो पूरी कंट्री के कोने कोने में, छोटे छोटे गांव में भी पोस्ट ऑफिस है, तो वहां पे भी लोग जाकर डिपॉजिट कराते हैं। लेकिन जो तीसरा विकल्प है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, वो है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट की, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि नामी गिरामी है, अच्छी उनकी हाई रेटिंग है और वो वेल रेगुलेटेड है, उनकी जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स है वो एक तीसरा विकल्प है। और उसमें डेफिनेटली आप तभी निवेश करेंगे जब आप बैंक से थोड़ा ऊपर पाएंगे, नहीं तो बैंक तो एक सेफ विकल्प है ही। तो आज हम सब लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि अगर वो अपनी रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो वो थोड़ा अपने टोटल फंड्स की एलोकेशन कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स में भी दो तरह की कंपनीज हैं, एक फाइनेंस कंपनीज, एक नॉन फाइनेंस कंपनीज। आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंस कंपनीज की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड है। वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या प्योर फाइनेंस कंपनीज है। जैसे हम नाम गिना देते हैं, HDFC हो गई, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने फाइनेंसिंग सेक्टर में काफी सालों से ये अपने बिजनेस में लगी हुई हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट कमाती हैं। और इनके जो ब्याज की दरें हैं वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में 1.5-2% ज्यादा होती हैं। और अगर आप इनमें लंबी अवधि के लिए डिपॉजिट कराते हैं क्यूमुलेटिव स्कीम में, तब आपका जो कैपिटल है उसमें भी ग्रोथ के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। आपने बहुत सारे ऑप्शंस का यहाँ पर जिक्र किया, बहुत सारे नाम सामने हैं, लेकिन जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि बैंक एफडी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो आम कोई भी नागरिक है अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, वो अगर खासतौर पर लोअर टैक्स ब्रैकेट में हो तो सबसे पहले बैंक एफडी का ही ध्यान में आता है। लेकिन जहां तक बात है कॉर्पोरेट एफडी की, इसमें क्या कोई छूट मिलती है टैक्स की? जैसे बैंक एफडीज में पर्टिकुलर कैटेगरी है टैक्स सेविंग वाली, फिक्स डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस की भी, जहां पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है, क्या इस कैटेगरी के अंदर भी ये फायदा मिलता है? और ये अप्रोचेबल कितने, यानी कि कैसे शुरुआत की जाए? बैंक में आसान है, आप बैंक में जाकर, इनफैक्ट अब तो मोबाइल के जरिए भी आप बैंक में एफडी खोल सकते हैं। जहां तक इस ऑप्शन का सवाल है, ये कितना आसान है? हाँ, देखिए पहली बात आपने पूछी कि इनकम टैक्स में छूट किसमें मिलती है, वो तो सिर्फ एक नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, उसमें भी अगर आप 5 साल का डिपॉजिट कराते हैं तभी छूट मिलती है। अदरवाइज बैंक्स में भी आप 1, 2, या 3 साल के डिपॉजिट कराते हैं तो कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं है। इसी तरह से कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में भी 1, 2, या 3 साल के डिपॉजिट पे कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं है। यहाँ पे जो हम प्रोपोजिशन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ सकती है। आप ये हिसाब लगाएं कि किसी के पास अगर 10 लाख रुपया है और वो बैंक में डिपॉजिट करता है जहां पे उसको 6.5 या 7% ब्याज मिलता है, यानी कि 70,000 रुपया साल का, यही अगर वो कंपनीज में लगाता है जहां पे 8 या 8.5% है तो वो बढ़ के 80 या 85 हजार हो जाते हैं, यानी कि हर महीने आपको 2 से 3 हजार रुपया एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये एक रिटर्न को इम्प्रूव करने वाली बात है और अपने ओवरऑल रिस्क को डाइवर्सिफाई करने वाली बात है, क्योंकि जो नेचर ऑफ डिपॉजिट है वो चाहे बैंक का डिपॉजिट हो चाहे वो इन कॉर्पोरेट्स का हो, वो नेचर अनसिक्योर्ड रहता है। इसलिए हम सलाह ये देते हैं कि जब आप कंपनी का चुनाव करें तो ये देख लें कि वो हाईली रेटेड होनी चाहिए, यानी कि AA या AA+ या AAA। और हमने जितने भी नाम यहाँ पे गिनाए हैं वो सारी के सारी उसी श्रेणी में आती हैं, यानी कि वो सभी AAA रेटेड हैं, यानी कि वो एडिक्वेटली सेफ कंपनीज हैं। तो अगर बैंक एफडी से इसको हम कंपेयर करें तो इसमें सेफ्टी, जैसे आपने कहा थोड़ी इनसिक्योरिटी हर ऑप्शन में रहती है, फिर चाहे वो बैंक एफडी ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट से, तो कॉर्पोरेट एफडीज इसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों का ख्याल रखा जाए बिसाइड रेटिंग, और ये रेटिंग कौन तय करता है? कैसे एक आम निवेशक को पता चलेगा कि इसकी रेटिंग अच्छी है? क्या फॉर्म में कहीं मेंशन होगा या जो इश्तिहार कंपनीज देती है वहां पर साफ लिखा होगा कि इसको AAA रेटिंग?
देखिए जितनी भी हमने कंपनीज की बात करी, मैंने पहले बताया कि ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उससे रेगुलेटेड है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत स्ट्रांग रेगुलेटर माना जाता है। तो जब भी उसकी परमिशन के बिना ये कंपनीज डिपॉजिट रेज नहीं कर सकती है, और ये कितना डिपॉजिट रेज कर सकती है ये डिपेंड करता है कि इनको रेटिंग क्या मिलती है। अगर इनको रेटिंग मिलती है AAA तो यानी कि हाईएस्ट रेटिंग, तब ये अपने नेटवर्क का 10 गुना तक डिपॉजिट रेज कर सकते हैं। लेकिन इनकी रेटिंग अगर सिंगल ए मिलती है तब ये सिर्फ एक गुना ही कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बोला कि आप हाई रेटिंग कंपनी की तरफ ही जाइए। दूसरी बात ये कि इसमें डिपॉजिट का चुनाव करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप इन्होंने जो ब्रोकर्स अपॉइंट करे होते हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, उनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ में चेक लगा के, और एक सिंपल सी KYC की फॉर्मेलिटी है कि आपने सिर्फ दो चीजें देनी है, एक पैन कार्ड और दूसरा एक आपका रेजिडेंस का प्रूफ। तो ये दो चीजें देके आप अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि जो तरीका है उसमें भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फॉर्म बस फिल करना है और जो आम KYC का प्रोसेस होता है वो करना होता है। अब बात करते हैं इसके मिलने वाले रिटर्न की। इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना रिटर्न ऑफर करते हैं कंपनीज, और क्या ये भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी? जैसे बैंक FDs में अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट, चाहे फिर वो सरकारी बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, ऑलमोस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग सेम है। लेकिन कॉर्पोरेट FDs में किस तरह का रुझान है, क्या अभी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है? देखिए कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कंपनीज की, इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75 और क्यूमुलेटिव स्कीम में 10 से 10.5 तक भी पहुंच जाते हैं। इसमें एक जो अच्छा विकल्प वो ये है कि आप लंबी अवधि के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हैं, इवन 3 साल 5 साल। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जैसे कि हुडको या HDFC, यहाँ पे आप 7 साल का डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और आप अगर कंपेयर करेंगे तो कोई भी बैंक आपको 5 साल की FD पे इवन 7% भी ऑफर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कंपनी डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी से जो वो रेट आपको बता देंगे 7.5 या 8 का, वो आपके लिए फिक्स हो जाएगा। और आगे चलते हुए चाहे मार्केट में इंटरेस्ट दरों में और कमी हो जाए, और बैंक फिक्स डिपॉजिट तो 1 साल के बाद जब रिन्यू करने जाएंगे तो हो सकता है 7 की जगह 6 मिले, लेकिन इन कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में अगर आपने फिक्स करा दिया है तो अगले 5 वर्ष या जितनी भी अवधि के लिए आपने डिपॉजिट कराया है आपको रिटर्न एश्योर्ड रहेगी। और हम यहाँ पे याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन है ये उन्हीं निवेशकों के लिए है जो कि 0 टैक्स ब्रैकेट में है या लो टैक्स ब्रैकेट में है। जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए ये जो ब्याज की दरें हैं इनमें से अगर वो टैक्स निकाल देंगे तो इन्फ्लेशन में बीट नहीं करेगी। लेकिन हमारी कंट्री में हाई टैक्स देने वाले मुश्किल से 1 करोड़ लोग हैं, बाकी जो 119 करोड़ लोग हैं जिनकी आमदनी कम है या जो टैक्स नहीं भरते हैं उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है कि वो अपनी जो रिटर्न है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात पल्लवी इसमें यह है कि इसमें कई सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप ब्याज कैसे चाहते हैं ये आप खुद तय कर सकते हैं। इसमें मंथली इंटरेस्ट की भी ऑप्शन है यानी कि आपको पेंशन की तरह हर महीने ब्याज मिलेगा। इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट की भी ऑप्शन है, अगर आपको मंथली नहीं चाहिए आप 3-3 महीने ब्याज मिलेगा। एनुअल इंटरेस्ट की भी ऑप्शन है, साथ ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि इसमें क्यूमुलेटिव ऑप्शन भी है, यानी कि अगर आपके दूसरी आय के सोर्सेज हैं, आपके पास आय के साधन हैं दूसरे, पेंशन मिल रही है, तब आप इसमें 5 साल के लिए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तब आपको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से बड़े ही दरों पे आपकी कैपिटल वापस होगी जब आपका पीरियड पूरा हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें रिवान हाउसिंग है, PNB हाउसिंग, श्रीराम ट्रस्टी, जहां पर 7.5 से 8% तक का भी ब्याज मिल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो किसी भी निवेशक के मन में होती है कि जो भी ब्याज इसमें मिलेगा क्या ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा? आपने जैसे कहा कि जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टैक्स ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दे पाएगा, और उसके लिहाज से हमने कई बार डिस्कस भी किया आपके साथ म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो जहां तक टैक्स ट्रीटमेंट की बात है, किस तरह से ये कैलकुलेट होता है? क्या ये एनुअल इनकम में जो भी इंडिविजुअल है उसकी सैलरी में ऐड होके स्लैब के अनुसार लगेगा या फिर कुछ स्पेसिफाइड? और साथ ही TDS को लेकर भी आपसे क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। जी, ये बहुत ही अच्छा आपने एक प्रश्न पूछा है। जहां तक TDS की बात है, इसके जो रूल्स हैं वो बैंक फिक्स डिपॉजिट से ही मिलते जुलते हैं। अगर आपका सालाना ब्याज 5,000 से ज्यादा पड़ता है तब आपको TDS एप्लीकेबल होगा, जो कि 10% के हिसाब से होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए का डिपॉजिट कराते हैं जिसमें ब्याज की दर 8% है तो आपको साल का ब्याज मिलेगा 8,000, क्योंकि ये 5,000 से ज्यादा है तो इसमें 10% टैक्स कट जाएगा और उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका बेनिफिट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ले सकते हैं। लेकिन इस असुविधा से बचाने के लिए
कि जो काफी लोग ऐसे हैं जिनको टैक्स, उनकी टोटल जो इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है और उनको टैक्स नहीं लगता है, उसके लिए एक प्रावधान है कि एक फॉर्म 15G है जिसको अगर आप कंप्लीट करके सबमिट कर दें तो आपको विदाउट TDS ब्याज मिलेगा, और अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो वो जो फॉर्म है वो 15H है, अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो फॉर्म 15G है। ये याद रखिए कि ये जो फॉर्म है डिक्लेरेशन का कि आपका टैक्स ना काटा जाए, तो ये हर साल आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये वही लोग सबमिट कर सकते हैं जो कि ये डिक्लेयर करेंगे कि हमारी जो टोटल इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, जो कि आज की तारीख में सब जानते हैं कि 3 लाख रुपए है। तो यानी बैंक जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको देखना है, रेटिंग कैसी है, और एजेंसीज होती हैं उसमें इकरा क्रिसिल जैसी कंपनी शामिल है जो रेटिंग देती हैं कंपनीज के कॉर्पोरेट FDs को, तो आपको ये सब देखना है। लेकिन कोई ऐसे 3 फैक्टर्स 3 मेजर चीजें जो आपको जब आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी कंपनी के FD में मुझे पैसे रखने हैं, तो कौन सी वो 3 या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको ध्यान में रखना है? देखिए, एक तो पहला इसमें रूल ये है कि जितनी भी आपकी कुल जमा पूंजी है उसका 10% से ज्यादा एक ही कंपनी में ना लगाएं। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है अपने रिस्क को कम करने के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप किसी भी एक कंपनी में 10 लाख से ज्यादा मत लगाएं। अब 10 लाख रुपए HDFC में, 10 लाख रुपए PNB हाउसिंग फाइनेंस में, 10 लाख रुपए दीवान हाउसिंग फाइनेंस में, ऐसे करके आप अपने टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रही बात की कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए, जैसे कि आपने बताया कि हमारी कंट्री में जो 3 accredited रेटिंग एजेंसी कंपनीज हैं, इकरा केयर और इकरा है, केयर और क्रिसिल, ये जो 3 कंपनीज हैं इनसे रेटिंग देख लें कि वो रेटिंग AA या उससे ऊपर होने चाहिए, और अगर AAA रेटिंग है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि वो आपको काफी वहां पे एडिक्वेट सेफ्टी है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, यानी कि इस कंपनी के प्रॉफिट कैसे चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और उसका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे भी रहती है जो बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी ब्रोकर के ऑफिस में जाके फॉर्म को स्टडी करिए, ये देखिए कि उसकी नेटवर्क कितनी है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रेटिंग क्या है, और इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तब आप अच्छे से उसका चुनाव कर सकते हैं। तो 3 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोई भी कंपनी का चुनाव कर रहे हैं एक फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट FDs की हम बात कर रहे हैं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी कितने समय से ऑपरेशन में है ये आप जरूर देखें, उसकी वित्तीय हालत कैसे, साथ ही डिविडेंड हिस्ट्री पर भी आप नजर डाल सकते हैं कि क्या कंपनी उन कंपनियों में से एक है जो समय समय पर अच्छा डिविडेंड अपने निवेशकों को देती रहती है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि सावधानी कैसे आपको बरतनी है, यानी कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है अगर आपने मन बनाया है कि आपको एक कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट पर निवेश करना है। इस ब्रेक के बाद बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु, चर्चा हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट पर। हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर बजाज कैपिटल। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कई सारे फायदे बताए कैसे आप बैंक FD के मुकाबले फिक्स डिपॉजिट जो भी कंपनीज के होते हैं फाइनेंस कंपनीज के वहां पर निवेश करके फायदा कमा सकते हैं। साथ ही आपने फैक्टर्स भी बताए किन बातों का ख्याल रखना है, लेकिन जहां तक बात है कॉशन की, तो किन चीजों को ध्यान में रखना होगा, सावधानी कैसी बरतनी है ताकि समय पर जब आप मैच्योरिटी के समय रकम निकालेंगे तब कोई दिक्कत ना हो, क्या नॉमिनी वगैरह को लेकर भी चीजें ध्यान में होनी चाहिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं किसी कंपनी के? जी देखिए, पहले तो यह है कि सुटेबिलिटी देखनी है कि ये कैसे टाइप के लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स या जिनको पेंशन चाहिए या जो अभी काम करना जिनका बंद हो गया, ये यंग लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है जो रिस्क ले सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बेहतर है जो कि रिटायर्ड हो गए हैं या सीनियर सिटीजन हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एक कैटेगरी है चैरिटेबल ट्रस्ट की या रिलीजियस ट्रस्ट की, जिनको सिर्फ वो फिक्स रिटर्न टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में रख सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोगों को अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है उनके लिए भी ये अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा फिक्स हो जाता है। अगर आपने 3 साल के लिए FD करी और 2-3 महीने के बाद कोई इमरजेंसी आ गई तो यहां से आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में कभी भी जरूरत पड़ सकती है पैसे की, तब आप पैसा ऐसी स्कीम्स में ना लगाएं। रही बात की कैसे उसको इन्वेस्ट करें, तो एक ये बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा एक जॉइंट डिपॉजिटर साथ में रखें। अगर हस्बैंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वाइफ को जॉइंट डिपॉजिटर बनाएं, और अगर किसी वजह से वाइफ नहीं है तो बच्चों को जॉइंट डिपॉजिटर बनाएं, और साथ में एक नॉमिनी का भी प्रावधान करें कि अगर
खुदा ना खास्ता कुछ मेन डिपोजिटर्स को हो जाए तो नॉमिनी जो है वो पैसा आराम से क्लेम कर सके, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी के लंबे झगड़े और चक्कर पड़ते हैं। तो इसमें सुविधा रहती है कि आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त ही ज्वाइंट डिपोजिटर्स को साथ में उनके साइन करा लें और नॉमिनी की अगर इन्फॉर्मेशन दे दें तब आप काफी सेफ महसूस करेंगे। तो प्रेफरेबली क्या जॉइंटली इसे निवेश करना चाहिए या फिर आप सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जैसे आपने कहा कि ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए खासतौर पर जो रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर जो अब रिटायर कर चुके हैं आप जॉब में नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ विकल्प भी हमने अपने सामने देखे जिसमें HDFC, PNB हाउसिंग, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं जो इस तरह की FDs लेकर आती हैं। लेकिन जहां तक बात है ज्वाइंट ओनरशिप की तो क्या ये कंपल्सरली तो नहीं है, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे क्या ये कोई कंपल्शन तो नहीं है कि जॉइंटली ही आपको एफडी करनी होगी, इसमें और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? नहीं देखिए अगर आप जॉइंट करते हैं तो इसमें तीन ऑप्शंस होते हैं, एक तो जॉइंट, एक आइदर और सर्वाइवर और एक एनीवन और सर्वाइवर। अगर आप जॉइंट पे टिक करते हैं तब पैसा निकालते वक्त दोनों जो ज्वाइंट डिपोजिटर्स हैं चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं या और कोई भी रिश्ता है उनका तो दोनों को जब तक साइन नहीं होंगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। दूसरा एक ऑप्शन रहता है आइदर और सर्वाइवर का, उसमें रहता है कि जो पहला जिसका नाम है डिपॉजिट की लिस्ट में जब तक वो रहेगा तो पैसा उसके साइन से निकल जाएगा, लेकिन अगर उसको कुछ हो जाता है डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले तो जो सर्वाइवर है वो साइन करके पैसा निकाल सकता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो नॉमिनी का है कि अगर दोनों डिपॉजिटर्स को कुछ हो जाता है डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले तब नॉमिनी आराम से वो पैसा डेथ सर्टिफिकेट देके क्लेम कर सकता है। अगर नॉमिनी किसी वजह से नहीं रखा गया है या ज्वाइंट डिपॉजिटर नहीं रखा गया है तो अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको पैसा को क्लेम करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनको कोर्ट कचहरी से प्रॉपर उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ सकता है। तो ये अगर पहले से एहतियात बरत लिए जाए तब आप निश्चिंत होकर इनमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जॉइंटली इसे निवेश करें, बहुत सारे ऑप्शंस भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है इसके ड्यूरेशन की तो क्या कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्या फिलहाल जैसे हम देख पा रहे हैं 1 साल और 5 साल के फिक्स डिपॉजिट्स हैं जहां पर 8% तक का भी रिटर्न कुछ कंपनीज के FDs में मिल रहा है, क्या इससे कम अवधि के भी फिक्स डिपॉजिट्स मौजूद हैं या फिर जैसे बैंक में अप टू 10 ईयर्स तक भी आप निवेश कर सकते हैं, क्या यहाँ पर ऐसे विकल्प मिल पाएंगे? देखिए इन कंपनीज में क्योंकि ये RBI द्वारा रेगुलेटेड हैं तो इनमें जो जो अवधियां हैं वो पहले से ही तय हैं, कम से कम जो अवधि है वो 1 साल की है, उसके बाद के 2 साल की भी FD है, कुछ कंपनीज 18 महीने की भी डिपॉजिट लेते हैं, फिर 36 महीने यानी 3 साल का भी है, 4 साल का भी प्रावधान है, 5 साल का भी है और मैक्सिमम 7 साल का भी है, तो आप 84 महीने की भी FD कर सकते हैं। और अगर आपको ये एक निश्चिंत है आपकी आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी 6-7 साल तक क्योंकि आपके दूसरे आय के साधन है, तब अगर आप 7 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, अभी जो ब्याज की दरें ऊंची हैं अगर 2-3 साल के बाद ब्याज की दरें नीचे भी आ जाएं और बैंक डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट 4-5% भी रह जाए तब भी आपको ये 7 या 8% मिलता रहेगा, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जिसका आपको अभी से ही सोच के फायदा उठाना चाहिए। और अगर आप 7 साल तक इंतजार कर सकते हैं तब आप 7 साल की FD कराएं और अच्छे ब्याज का फायदा उठाएं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अब बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में हमने देखा कई बैंक्स की तरफ से ऑनलाइन भी सुविधाएं अब हैं और आप मोबाइल के जरिए भी आप FD या फिर RD खोल सकते हैं, तो क्या जहां तक कॉर्पोरेट FDs की बात है आपने जैसे बताया था कि ब्रोकर्स होते हैं कंपनियों के और वो नियुक्त करती है और वहां पर आपको फॉर्म फिल करना होता है, एक फिजिकल फॉर्म देना होता है, लेकिन जब बात है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की क्या कॉर्पोरेट FDs में भी ऑनलाइन निवेश किया जा सकता है? धीरे धीरे इसकी तरफ तैयारी चल रही है, पहली बात तो यह है कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और अगर आप दूर किसी शहर में बैठे हैं जहां पे ब्रोकर का ऑफिस नहीं भी है तब आपको ईमेल के जरिए या उनकी वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके आप उसको फिल करके नियरेस्ट जो भी ब्रोकर का ऑफिस है या बैंक की ब्रांच है वहां दे सकते हैं। रही बात ऑनलाइन इन्वेस्टिंग की, वो अभी इसमें चलन इसका शुरू नहीं हुआ है लेकिन जो ब्याज है वो डायरेक्टली आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है, यानी कि आपको फिजिकल चेक जमा नहीं कराना पड़ता, आपके डायरेक्ट क्रेडिट मिल जाता है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो कई फायदे हैं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने के, यहाँ पर बेहतर रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है अगर अच्छी रेटिंग AAA रेटिंग वाले आपने फिक्स डिपॉजिट का चुनाव किया तो ग्रोथ की संभावनाएं भी इसमें बहुत ज्यादा है। फिलहाल इस टॉपिक पर इतनी ही हम चर्चा करेंगे, शुक्रिया अनिल सर आपका समय निकाला और बातचीत की, एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।